नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, अगर आप अपना प्रोफाइल टाइप पेज का नाम को चेंज करना चाहते हैं, यानी नाम को बदलना चाहते हैं, तो आप इस वीडियो को अंत तक देख लीजिए, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको फेसबुक प्रोफाइल टाइप पेज का नाम को चेंज करने का पूरा प्रोसेस हम आपको बताने वाले। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा पेज है जिसका नाम है दीपक जी जी। तो इस पेज का हम नाम चेंज करने वाले हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं जिस पेज का हम नाम चेंज करने वाले हैं उसका वो पेज मेरा लॉगिन है। तो यहाँ पर आपको उस पेज को लॉगिन कर लेना है जिस पेज का आपको नाम चेंज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थ्री लाइन का जो ऑप्शन है, यहाँ पे देख सकते हैं थ्री लाइन का जो ऑप्शन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे नाम शो हो रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे जैसे आप नीचे आइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स एंड प्राइवेसी का एक ऑप्शन मिलेगा। तो इसमें आपको यहाँ पे तीर का जो आइकन है, इसमें आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग एंड प्राइवेसी के नीचे में यहाँ पे एक अलग से सेटिंग्स का ऑप्शन यहाँ पे आ चुका है, अलग से यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी में आपको क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। सारा स्टेप को आपको पूरा समझना है ध्यान से, और जरा सा भी आप गलती कर दीजिएगा तो आपका पेज का नाम चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पे पेज सेटिंग्स का जो ऑप्शन है, इसमें आपको पेज सेटिंग्स के ऑप्शन में क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, उसके बाद कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ढेर सारा ऑप्शन है। तो यहाँ पे आपको ढेर सारा ऑप्शन में नहीं जाना है। सबसे ऊपर में यहाँ पे नेम का ऑप्शन है, और उसके नीचे में जो आपका पेज का नाम रहेगा यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इसी नेम वाले ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ध्यान से स्टेप को समझना है। अगर जरा सा भी गलती कीजिएगा तो आपका पेज नाम चेंज नहीं होगा, आपको एरर दिखा देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरह से यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले काम आपको यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे जो भी नाम रहेगा इसको आपको पूरा हटा देना है। ये आपको स्टेप कर लेना है, यहाँ पे आप पूरा हटा दिया। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो नाम अपना पेज का आपको रखना है उसको यहाँ पे आपको लिख देना। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमारा पेज का नाम जो है दीपक जी जी था, और हम उसको आप दीपक कुमार करना चाहते हैं। यहाँ पे दीपक कुमार हम लिख दिए। जो नाम आपको करना है पूरा यहाँ पे लिख देना है, सारा स्पेलिंग वगैरह आपको ध्यान से लिखना है, ठीक है। जैसे आप लिख दीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको रिव्यू चेंज का ऑप्शन मिलेगा। तो इसी रिव्यू चेंज वाले ऑप्शन में क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे हम रिव्यू चेंज का जो ऑप्शन है इसमें हम लोग क्लिक करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी पेज का नाम है दीपक जी जी, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, दीपक कुमार हो जाएगा। लेकिन कब होगा, जब हम यहाँ पे पासवर्ड डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड में क्या डालना है, चलिए इसको आप ध्यान से समझिए, ठीक है। तो दोस्तों, फेसबुक पेज का तो कोई पासवर्ड होता नहीं है, तो आपको फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डालना है। जो आपका मेन अकाउंट है उसका जो पासवर्ड है वहाँ आपको डाल देना है। यहाँ पे पूरा आपको सही सही डाल देना है। जैसे आप डाल दीजिएगा, उसके बाद आपको क्या करना है, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम अपना प्रोफाइल का यानी पासवर्ड डाल दिए हैं, यानी फेसबुक अकाउंट का पासवर्ड डाल दिए हैं। और उसके बाद यहाँ पे सेव चेंजेस में क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सारा स्पेलिंग वगैरह मिला लेना है, कहीं कोई गलती वगैरह नहीं हो। तो अगर आपका गलती जो नाम रहेगा यहाँ पे वही नाम हो जाएगा, तो कहीं गलती वगैरह तो नहीं है, आपको देख लेना है उसका। अगर सारा डिटेल सही है, उसके बाद आपको सेव चेंजेस में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। जैसे आप सेव चेंजेस में क्लिक कीजिएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको लोडिंग लेगा। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, थोड़ा सा वेट करना। लेकिन अभी भी देख सकते हैं कि आप लोग दीपक जी जी नाम ही दिखा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे आपको पूरा बैक आ जाना है। जैसे आप बैक आइएगा, उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने प्रोफाइल में आना है, और उसके बाद एक बार आपको रिफ्रेश करना है। जैसे आप रिफ्रेश कीजिएगा, यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पेज का नाम दीपक कुमार हो जाएगा। उसके बाद आपको एक बार यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे हो सकता है कि आपको पेज नाम चेंज करने में एरर आए, प्रॉब्लम आए। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे दीपक जराजा जो ये पेज है, यहाँ पे देख सकते हैं, इस पेज में आपको इसका पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इस पेज में आके हमको मैसेज कर दीजिएगा आपको जो भी प्रॉब्लम आ रहा है, और यहाँ पे इसको फॉलो जरूर से कर लीजिएगा, फॉलो आप जरूर से कर लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरह से आप लोग अपना पेज का नाम को चेंज कर सकते हैं। अगर आपका चेंज नहीं होता, इसमें आप मैसेज कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।